सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ सफर सागर। मेरा नाम है रॉबिन और आज बहुत ही स्पेशल दिन है बिकॉज हम जा रहे हैं अपनी बाइक को लेके कुछ मॉडिफिकेशंस कराने के लिए। फिलहाल हमने रेडिएटर गार्ड और टॉप रैक लगा लिया था, बाकी अभी और छोटी मोटी इसमें मॉडिफिकेशंस वगैरह करवानी है, तो टॉप रैक तो हमने करवा लिया था। बाकी हमें निकलना है राइड पे कहीं आस पास में ही थोड़े दिनों के लिए, तो उसके लिए कुछ मेजर चीज़ें हैं जो मेरे को लगवानी है, जो इम्पोर्टेंट है वो है लेग गार्ड या उस बाइक के टैंक के सेफ्टी के लिए और लाइट्स। तो लाइट्स हमने कैरी कर लिया ऑलरेडी, जो हमारी पुरानी हिमालयन में थी जो कि मैड डॉग अल्फा है, तो आई डोंट थिंक कि उससे बेटर कोई अभी फिलहाल लाइट है और हमारे पास है ऑप्शन, तो क्यों ना हम सबसे पहले उसी को लगा लिया जाए, क्योंकि इसका नाइट का थ्रो मैंने देखा है यार उतना कुछ खास है, तो यार लाइट तो चाहिए। वैसे भी हाईवे राइडिंग और माउंटेन्स पे राइडिंग होगी तो उतना तो चाहिए होगा, तो चलो फटाफट चलते हैं। रास्ता ट्रैफिक से फुल ऑन भरा हुआ है और हमें यहाँ से लगेगा अराउंड 40 टू 45 मिनट्स। हम जा रहे हैं गाजियाबाद गुप्ता बाइकिंग एंड गियर्स पे, उनका एक नया स्टोर भी खुला है फरीदाबाद में, तो वो भी हम जाएंगे कमिंग संडे में, देख के आएंगे क्या स्टोर है, कैसा है, क्या क्या चीजें अवेलेबल है। फिलहाल हम जा रहे हैं गाजियाबाद और जाने में लगेगा अराउंड 40 मिनट और फुल ऑन ट्रैफिक है, तो उसको हम फटाफट कट डाउन करेंगे, ज्यादा बोर नहीं करूंगा एंड चलो स्टार्ट करते हैं। मैं ये चीज बताना भूल गया था कि हमने आगे का विंड स्क्रीन भी चेंज करा लिया, पहले छोटा हुआ करता था अब थोड़ा ये बड़ा है, तो ये थोड़ा हाईवे पे मददगार साबित होगा आई एम डैम श्योर। और बाकी जाके देखते हैं यार वहाँ पे और क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं, मोटर टॉर्क का है, मेरे को साइड स्टैंड एक्सटेंडर भी लगवाना है, यस। सो वहाँ पे चलते हैं एक बार ही और फिर डिसाइड करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमें एक्चुअली में लगवानी है, और अभी फिलहाल हमारी हमें नीड है सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैं इसको ओवरडू नहीं करना चाहता, क्या करना है फालतू में वेट इसका बढ़ा के। बाकी एक सैडल स्टे का मैं श्योर नहीं हूँ, सैडल स्टे अभी लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज इस बारी मैं पैनियर्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, बस उसके थोड़े ड्रॉबैक्स हैं, तो वही मैं अभी थोड़ा रेक्टिफाई कर रहा हूँ और लोगों से थोड़ा राय ले रहा हूँ। बाकी देखते हैं क्या निकल के आता है सोल्यूशन इसका, या तो पैनियर हो गए जो प्रॉपर हार्ड वाले होते हैं और एक GV के सेमी हार्ड वाले भी हैं, दोनों में से कौन से ज़्यादा सही रहेंगे, क्योंकि देखो जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमें हाईवे मिलता है, हाईवे अगर मैं रेशियो देखूं तो 70-30 अराउंड अप्रोक्स, 70% टर्मैक रहता है और 30% थोड़ा ऑफ रोड रहता है, और भी वहाँ पे जहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा हो, अब उसको भी कंसिडर करें तो ये थोड़ा ही मतलब ये बहुत ज़्यादा वैसा है। नो डाउट पैनियर्स में और हार्ड लगेज में एडवांटेजेस हैं, बट प्रोज एंड कॉन्स तो हर चीज़ों में है, सिक्योरिटी रहती है, माउंट करना इजी रहता है सबसे बड़ा चीज़, और जैसे मेरा एक नेल्सन रिग का अगर आपने स्पीति वाला व्लॉग देखा होगा और लद्दाख वाली व्लॉग जो अभी चल रहे हैं उसमें आप देखेंगे मेरे पास एक नेल्सन रिग का एक टेल बैग है, वो बहुत सही बैग है यार, मतलब उसमें मुश्किल से कितना 30 सेकेंड्स में अपना बैग माउंट हो जाता है, उसका मैकेनिज्म बहुत सॉर्टेड है। इवन आफ्टर एक्सीडेंट, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो उसमें 4 बकल होते हैं, 4 क्लिप्स हैं, उसमें 4 में से 3 टूटे थे, एक उसने वो बैग वहीं का वहीं था, मतलब वो हिला नहीं वहाँ से, तो ये भी एक बहुत अच्छा चीज़ है। सो चलो इसको अब कट शॉर्ट करते हैं, अब सीधा मिलते हैं आपको उनके स्टोर पे, गुप्ता बाइकिंग गियर्स गाजियाबाद। बाइकिंग गियर्स, क्या हाल है भाई? बहुत बढ़िया, सामान निकाल दिया, अब चलो दिखाते हैं क्या क्या लगवा रहे हैं। फिलहाल अभी हम गेरा सामान इन्होंने निकलवा दिया, यहाँ पे अभी हम लगा रहे हैं क्रैश गार्ड, क्रैश गार्ड के साथ अपनी अल्फा लाइट्स वहाँ पे पड़ी हुई हैं, उसको हम यहाँ पे फिट करेंगे, और अभी हम सैडल से नहीं लगा रहे हैं बिकॉज मैंने आपको बताया पैनियर्स का सीन है अभी थोड़ा, और ये GPS माउंट ये हम लगा रहे हैं जाना का, और क्रैश गार्ड और मास्टर सिलेंडर गार्ड हम लगा रहे हैं मोटर टॉर्क का। बाकी इसकी प्राइसिंग वगैरह मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में या फिर स्क्रीन पे आपके आ रहा होगा। फिलहाल अभी हम लाइट फिगर आउट कर रहे हैं किधर लगाया जाए, मेरे हिसाब से इधर नीचे की तरफ इस साइड पर लगाया जाए या फिर इधर, बट मेरे आई गेस ये वाला ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, सो एक बार जब वो लगाएंगे तब आके देखेंगे। और GPS माउंट हमारा यहाँ पर लग रहा है, और GPS माउंट लगाने का जो मेरा मेन
कारण है वो फ़ोन लगाने का नहीं है, वो मैं वहाँ पे दूसरा एक कैमरा लगाऊंगा जो यहाँ से एक व्यू आएगा पीछे की तरफ। सो उस चीज़ के लिए तीन चीज़ें हमने रॉयल एनफील्ड से लगाई हैं, बाकी सारा हम आफ्टर मार्केट लगवा रहे हैं, मोटर टॉर्क और जाना मिक्स। बाकी एक हैंड गार्ड का पता करेंगे, अगर बागबस्टर्स के आ गए होंगे तो वो लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि उससे बहुत सेफ्टी मिलती है। सो वो चीज़ है, ये लगाना सबसे ज़्यादा आसान है, बहुत ही आसान, सीधा इसको खोलो इस जगह पे लगाओ ख़त्म बात। तो ये आ गए हम इनके वेयर हाउस, ये देखो खजाना तो असली यहाँ है, बैग्स हेलमेट्स जैकेट्स, रेगनाइट के भी काफ़ी सारे स्टॉक भी आ रखे हैं। हैं हाँ, इसके मैंने काफ़ी देखे हैं, चलो थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। ये अब टैंकी ओपन हो रही है, बिकॉज ये हार्नेस अंदर से जाएगी और फिर यहाँ पे बैटरी में आएगी और स्विच हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, सेम मैडॉक का स्विच प्रो कहाँ गया, यहीं कहीं ये रहा। तो ये है हमारी पुरानी हार्नेस, ये हमारा स्विच प्रो है, स्विच प्रो नया वाला मैडॉक का, वो लगाएंगे इसमें। और ये हमने रिले हमारी खो गई थी तो ये अभी नया रिले हमने लगा लिया, लाइट का पोजिशन कुछ ऐसा है। तो ये हो गया, टैंक निकल गया और देखो पाइपें देखो कितनी सारी है, ये 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 और पता नहीं क्या क्या है। अब यहाँ से काम हो जाएगा बढ़िया। और ये है इसका एयर फिल्टर, तो अगर आपने एयर फिल्टर चेंज करना है तो आपको एनी विच वेज ये टैंक पूरा का पूरा निकालना ही पड़ेगा, तब जाके एयर फिल्टर आपका चेंज होगा, और अभी फिलहाल हमारा कोई मूड नहीं है एयर फिल्टर चेंज करने का। ये देख लो बिना टैंक के क्या लग रही है, कपड़े उतार लिए भाई इसके। तो ये हमारी लाइट लग गई यहाँ पे, बट इस लाइट में एक्चुअली प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ से वायर कट गई है, देखोगे ये वायर कटी हुई है जिसकी वजह से ये हिल रहा है, तो ऑन ऑफ होगा, इसी साइड में दिक्कत आ रही है, ये साइड तो ठीक है। तो अभी चलते हैं एक बार लाजपत नगर चलेंगे और पता करेंगे अगर जहाँ पे ये सॉर्ट आउट हो जाए, अगर ये ठीक हो सकता है तो। बाकी एक बार जला के दिखा देता हूँ आपको। सो ये जैसा भी नहीं जल रही है, बट इसको वायर को हिलाएंगे, ये देखो जल गई। तो यहाँ पे वायर का इशू आ रहा है, ये है ना, ये वायर का इशू आ रहा है यहाँ पर। सो ये एक बार चेक कराते हैं, देखते हैं क्या सीन है। बाकी ये थ्रो है और अल्फा का तो है ही थ्रो, बहुत मस्त है, तो उसमें तो कोई शक है ही। तो लाजपत नगर जाके भी हमारे को कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, तो मैंने खुद ही सोचा कि मैं इसको खुद ही कर लूँ। आप देख सकते हैं यहाँ से वायर कट हो गया था, तो उसको हमने निकाल लिया। ये है LED पैनल जो उस मैडॉक का है, और सोल्डरिंग हमने हटा ली थी, और सोल्डरिंग हटाने के बाद जो बैक का जो वायर था उसको हमने एक्सटेंड करके उससे सोल्डरिंग कर दी। और उसके बाद देख सकते हैं आप कि लाइट मेरी परफेक्टली काम कर रही है, लेफ्ट साइड की लाइट थी, और बिना मेरे को कहीं इसको भेजे कि मेरा काम हो गया जुगाड़ से। पीछे मैंने ये एक सील भी कर दिया अपने हिसाब से कि इसके अंदर पानी वानी ना जाए। बाकी खोलना थोड़ा सा टीडियस था, लेकिन ज़्यादा टाइम लगा नहीं, और मुश्किल से मेरा 10 रुपये में काम हो गया।